थी, होते थे दो चार बदतमीज लोग, आप ही लोग उनको फटकार के चुप कर दिया करते थे। आज वे लोग मुख्यधारा में आ गए, अब वे समान सी बात होने लगी। आपने नहीं सोचा होगा कि ऐसी सरकार बन जाएगी जहां किसान दिल्ली में जा नहीं पाएगा। किसानों ने ऐलान किया कि हमारा इतने समय से धरना चल रहा है, रेस की राजधानी के सभी रास्तों को हमने बंद किया है, हम सड़क पर बैठे हैं, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, क्यों ना हम उस तरफ चलें, अपना विरोध दर्ज करें। तुरंत योगी जी ने संज्ञान लिया और धमकाना शुरू किया। कई कई बार लोगों ने निर्णय लिया कि चलो दिल्ली चलो, किसान घाट हुआ हो, जंतर मंतर पे बैठ के विरोध करेंगे। ट्रैक्टर यात्रा निकाली किसानों ने, वहीं गाजीपुर बॉर्डर पे रोक दी जाती थी, और 13 महीने से तो वहीं तार बिछाकर पूरा पक्का बैरिकेडिंग करके दुनिया भर की फोर्स लगाकर ये संदेश देना चाहती थी सरकार कि अब दिल्ली किसानों से, ग्रामीण भारत से बहुत बहुत दूर हो चुकी है। और दिल्ली की तरफ आपकी निगाह ले जाऊं तो पूरी दिल्ली का नक्शा बदलने पे तुली है सरकार। यहां कोई आदमी मौजूद नहीं होगा जो इस बात का समर्थन करेगा कि हमें देश की उस सदन में कोई परिवर्तन करने की जरूरत थी, कि नए संसद भवन के निर्माण की देश को जरूरत थी। बताओ, नए पार्लियामेंट की आवश्यकता कुछ है? हजारों करोड़ लग रहे हैं, हजारों करोड़, पूरा इंडिया गेट खोद दिया है, हजारों करोड़ के दो विमान अपने लिए खरीदे कि मैं विदेश में उसमें सैर क्या करूंगा, बुलेट प्रूफ इंपोर्टेड नई गाड़ी खरीदी गई है, आप देखते हो उनके कपड़े क्या है, दोपहर को नया शॉल होता है, रात को दूसरा शॉल होता है, तो जैसे शहंशाह के ताव भाव होते हैं उसी तरह से उनका अंदाज चल रहा है। और फिर भी बताया जाता है कि इनके ना कोई आगे ना कोई पीछे, बड़े ईमानदार हैं। योगी जी कहते हैं भाई योगी जी बड़े ईमानदार हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश को क्या लाभ मिला इस बात का? आपको क्या लाभ मिला है? किसानों के हाथ में एक टॉर्च दे दी, लाठी दे दी, खेत में तार लगाओ और पूरी रात वहां पहरा दो, 5 साल का यही तो अनुभव है किसानों का। इसलिए कोई साधारण चुनाव नहीं है, 403 सीट पे जो हमारे गठबंधन के रंग है, सफेद हरा लाल, बहुरंगी गठबंधन है ये, सभी जाति के, सभी जो हमारे पुराने कुनबे थे उन्हें इकट्ठा करके, समेट के, साथ लाकर, इज्जत के साथ हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 403 सीट पे आपने बहुमत नहीं बनाई, किसानों ने अपनी ताकत नहीं दिखाई, ये सिर्फ मान सम्मान की लड़ाई नहीं है, ये अस्तित्व की लड़ाई है, इस बात को समझ लो। यहां अगर हम चूक जाएंगे तो 10-20 साल तक कोई हिम्मत नहीं करेगा कि किसान के नाम पे कोई आंदोलन कर ले, कोई नहीं करेगा। शुरुआत करी थी पंजाब और हरियाणा के किसानों ने, शुरुआत तो उन्होंने ही करी थी, और उनकी नजर यहां माट पे है, उत्तर प्रदेश के नतीजों पर है, वो देख रहे हैं इन बातों। और मैं तो नहीं भूल सकता, मैं जानता हूं कि देश का किसान नहीं भुला सकता उस बात, जब रात को यही समय होगा, शाम को इससे पहले 2-4 घंटे से एक प्रचार शुरू हुआ 28 जनवरी को, कि अब बंद हो गया, वापस लौटने को मजबूर हो जाएंगे किसान, सरकार ने पूरा दबाव बना दिया और आज ही जो है रात को हो जाएगा फैसला। सारे टीवी चैनल कूद कूद के यही बताना, पिछले वर्ष की बात है 28 जनवरी को, और फिर जब रात के अंधेरा आया, फोर्स आई, इनकी क्या मंशा थी, लोनी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक गए, अपने गुंडों को लेके गए, मारपीट की,
गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे उस मोर्चे पे किसानों के साथ, और चौधरी अजीत सिंह जी ने देर नहीं लगाई। जब किसान भावुक हुआ, चौधरी अजीत सिंह जी भावुक हुए और उन्होंने फोन उठा के कहा कि चिंता मत करना बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो किसान वहां 13 महीने से बैठे हैं, जो माता बहनें वहां बैठी हैं, इतने दूर से चल के आए बैठे, क्या उनका कुछ स्वार्थ था नहीं जी उसमें आंदोलन को चलाने में? उन्हें कोई फायदा था इस बात से? कितना नुकसान सहा उन्होंने? जब चौधरी अजीत सिंह जी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने सारे लोगों को जुटा दिया किसान के सम्मान में, तो क्या चौधरी अजीत सिंह जी का कोई स्वार्थ था? तो इसलिए आज वो वक्त नहीं कि हम एक दूसरे के और अपने स्वार्थ में बटे रहे और उसका फायदा वो लोग उठाए जो किसान के साथ दिन और रात मकारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, जो सरकार में आके कुचल जाते हैं किसान को। किसी भी सामान्य व्यक्ति का दिल पसीज जाए ऐसे किसी की भी पीड़ा देखकर, लेकिन इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो सरकार को एहसास हुआ कि हमारी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, सत्ता जा रही है, तब जाके ये लोग हड़कंप में आए और अभी भी ढोंग है। अगर हम और आप चूक जाएंगे, अगर माल्ट की जनता चूक जाएगी, तो मेरा दावा है कि वो कानून भी वापस आएगा और फिर 10-20 साल तक कोई आंदोलन होने वाला नहीं है। और अब चौधरी अजीत सिंह जी नहीं है, चौधरी अजीत सिंह जी अब नहीं है। मुझे आप इतनी ताकत दो, मैं करूंगा कोशिश, मैंने संकल्प किया, लेकिन हमें ये इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा कि आज हमारी वो ताकत, वो पहचान नहीं है। बनानी पड़ेगी, जमीन से उठकर बनानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। मैं तैयार हूं, क्या आप मुझे आशीर्वाद दोगे? और एक बात सोचने की है, गौर करने की, ये लोग कोई हमारे हिमायती तो है नहीं। कोई भी काम उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हमारा आदमी जो जुड़ा हुआ है, जो चौधरी साहब के समय से जुड़ा हुआ हो, जो खेती करता है, जो कमेरा वर्ग है, कि वो ये महसूस करे कि हाँ हमारी सरकार। आज इनके जुबान पे मेरे लिए इतनी मीठी मीठी बातें। योगेश अभी कह रहा था ना, योगेश को तो अमित शाह ने कह दिया, योगेश आजा, तेरा हेमा मालिनी बना दूंगा, यही कही होगी। और ना जाने कैसी कैसी बातें मेरे लिए भी कह रहे हैं। कोई प्यार नहीं, कोई लगाव नहीं हमारे लिए। और मैं कह रहा हूं, मुझे खुश करके क्या मिल जाएगा? मुझे तो नहीं बनना हेमा मालिनी। जनता के लिए क्या करोगे? उस 700 किसानों परिवारों के लिए क्या किया आपने? टेनी जी मंत्री क्यों बने बैठे हैं? रोज जो है सुबह उठते हैं और नफरत घोलने का काम शुरू कर देते हैं, और कोई काम नहीं है। अभी योगी जी गए बुलंदशहर में चुनाव प्रचार, और क्या भाषण उन्होंने दिया? कहा कि जब बुलंदशहर का जवान यहां से गोली दागेगा पाकिस्तान में, तो देश में तरक्की हो जाएगी। क्या बात है? किसी मतलब कुर्बानी, शहीद होंगे आपके भाई, हमारे बच्चे, और देश में तरक्की हो जाएगी। फिर गए वो मुजफ्फरनगर कह रहा ना, और कहा ये जो गर्मी है ना, मैं जानता हूं मई जून में शिमला पहुंचा दूंगा। गरम तो हमारा खून है, गरम तो हमारी भाषा है, गरम तो हम हैं। हम तो पैदा ही गरम हुए। ये जैकेट तो मैं ऐसे ही पहन रहा हूं, चौधरी अजीत सिंह जी तो शॉल भी नहीं ओढ़ते।
देते इतने, उन्हें ठंड नहीं लगती थी बिल्कुल। तो गरम मिजाज के तो हम है ही, क्या इलाज कर लोगे योगी जी? मुझे तो लगता है आपको सर्दी लग गई सर पे। यहीं से ठंड घुसती है ना। आप योगी जी, मैं आपका बुरा नहीं चाहता, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा पड़ेगा। बहुत होशियार रहने की का वक्त है, क्योंकि सरकार हमारे खिलाफ है और तंत्र भी हमारे खिलाफ होगी कि जो हमारे यहाँ के किसान सोचेंगे चलो कुछ तो कर दिया। अब आप तो देख नहीं पाए होगे, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन पढ़ने में मिल रहा है। क्या किया केंद्र सरकार ने? छाते महंगे कर दिए। हाँ, अम्ब्रेला पे छाते पे ड्यूटी 20% कर दी, बढ़ा दी। और हीरे जो है, हीरे जवाहरात बाहर से खूब मंगा लो, 5% ड्यूटी पे वो सस्ते कर दिए। बहुत बड़ा काम कर दिया मोदी जी ने। और दूसरी बात, अगर हम खेती पे आएंगे, क्या किया? कुछ नहीं। पिछले साल अगर धान की फसल को आप देखोगे, क्यों कल अखबार की हेडिंग होगी कि बहुत ड्रीम बजट किसान के लिए, ड्रीम बजट, ऐतिहासिक बजट, अखबार वाले ये बताएंगे। आप सच्चाई ये है कि जो मैंने दो चार बात पढ़ी है, एक तो उन्होंने धान की खरीद का जो अपना खुद का जो आंकड़ा घटा दिया। पिछले वर्ष 1286 लाख मेट्रिक टन इनका दावा इन्होंने खरीदा था किसानों से, और इस बार उसे घटा के 1206 लाख मेट्रिक टन, यानी 78 लाख मेट्रिक टन धान सरकार किसानों से कम खरीदेगी। 34 लाख कम किसानों से सीधा खरीद किसान इस वर्ष करना चाहता है। तो इतना सब दबाव आप बना रहे हो, किसान किसान किसान, हम लोग चिल्ला रहे हैं, चुनाव का वक्त है, और तब भी जो है ये आपके लिए महाकंजूस, महाकंजूस। तो इनसे कोई उम्मीद रख नहीं सकता किसान। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये चुनाव किसान का है, किसान बन के वोट करो, जाति का कोई सवाल नहीं। ये लोग जाट 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 चिल्ला रहे हैं, और जितना ये जाट 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 चिल्लाएंगे, चौधरी चरण सिंह के अगर आप अनुयायी हो, आप किसान और मजदूर, किसान और मजदूर बोले जाओ। वो कहावत है ना कि जाते ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल देखो तलवार की, पड़ी पड़ी रहन दो म्यान। तो वही बात है, हमें शिक्षा की बात करनी है, कमाई दवाई की बात करनी है, बच्चों के नौकरी की बात करनी है, खेती खलियान की बात करनी है, किसानी की बात करनी है। और मैं आपको एक ही वादा करना चाहता हूं कि आप मार्ट क्षेत्र की जनता, तो आप बहुत ही बुद्धिजीवी भी हो, और इस चुनाव में बहुत किस्मत वाले, क्योंकि जब चुनाव का नतीजा खुलेगा और गठबंधन को आप जिता दोगे, आपको सिर्फ एक नहीं, आपको दो दो विधायक इस क्षेत्र से मिलेंगे। क्योंकि जितना संजय दौड़ेगा उतना ही योगेश दौड़ेंगे, जितना संजय दौड़ेंगे उससे आगे योगेश दौड़ेंगे। क्यों? दोनों राजी हो उस बात को? तो दो दो विधायक बनाओ, एक नहीं। तैयार हो? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोनों हाथ उठा के वायदा कर दो, साइकिल के चिन्ह पे मोहर लगेगी, साइकिल के चिन्ह पे। जयंत चौधरी जी को और अखिलेश यादव को सरकार बनाने के लिए मदद कर दो सब लोग। आज जाटव समाज ने पंचायत करके मार्च के अंदर बहुत बड़ा समर्थन मुझे दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूं, और यकीन दिलाना चाहता हूं हमारे जाटो भाइयों को, जिस तरीके से अभी के विधायक ने परेशान किया है, हम हमेशा उनकी मदद में खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय लाठर।